वक्त की बड़ी खबर सागर जिला के खुरई ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत बरोदिया नौनगर गांव से है, जहां दिनांक 24-25 अगस्त की रात्रि में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। सैकड़ों की संख्या में आए आरोपियों ने बाजार में 18 वर्षीय युवक नितिन उर्फ लालू को पीट पीट कर घायल कर दिया। बेहोश होने के बाद भी आरोपी पीटते रहे। बचाने आई माँ को भी लाठियों से जमकर पीटा, उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने मारपीट के बाद पीड़ितों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। लगभग 48 घंटे के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। पीड़ित पक्ष की मांग है कि पहले आरोपियों के घर तोड़े जाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कल से ही गांव में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आज दिनांक 26 अगस्त शनिवार को कलेक्टर सागर दीपक आर्य द्वारा आश्वासन दिए जाने के पश्चात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार दोपहर में किया गया। कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि लगभग 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कांग्रेस का गठित दल भी गांव पहुंचा। वंदे भारत से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। क्या बहन है? हाँ, मैं उसकी बहन हूँ जी। ये घटना जो हुई थी परसों की दरमियानी हुई थी, कब हुई थी? ये 25 तारीख की। 25 तारीख रात में घटना हुई थी। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से और आप आगे क्या? बस यही आश्वासन दिया गया कि हम मतलब 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है, और हम 2 दिन के अंदर उनके घर गिरवाए जाएंगे। अभी तुम दाह संस्कार करो। लेकिन मेरी मांग है, मैं दाह संस्कार नहीं करूंगी। मैं दाह संस्कार नहीं करूंगी जब तक कि उनके घर पे बिल्डोजर न चलवाई जाए। मैं दाह संस्कार तभी करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ना कि कोई पैसा चाहिए। घटना हुई है जो आज पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस प्रशासन की असंवेदनशीलता इस बात से स्पष्ट होती है कि आज 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जो हमारा दलित परिवार का अहरवार समाज का नौजवान खत्म हुआ है, उसकी आज अंत्येष्टि नहीं हो पा रही। अंत्येष्टि ना हो न पाने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन है। शासन प्रशासन अगर सजग होता, न्यायप्रिय होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज सारे लोग यहाँ, सभी दलों के लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी ने दल भेजा, हमारी कांग्रेस पार्टी की दल भेजा, और भी राजनीतिक दल आए हैं, सारे बीमारी के लोग भी हैं। 70-रूढ़ दल के लोगों को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। असंवेदनशीलता इस बात की भी है कि जो बच्ची, जो उसकी पुत्री है अंजना अहरवार, वो कह रही कि जो मैं FIR लिखा रही हूँ, वो FIR नहीं लिखी जा रही। वो कह रही कि इसको जो जिस तरीके से अपराधियों के साथ पहले आपने एक जो दूसरों के मकान तोड़े हैं, समान वो भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग, उनके मकान, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। चिंता सिर्फ प्रशासन को इस बात की है कि कैसे भी करके उसका सब अंत्येष्टि हो जाए, और बाद में जैसा कि जैसे अभी बता रहे कि वारदा की घटना हो, अन्य घटना हो, इन घटनाओं को लेकर उसमें खड़ेसरा, इन सब घटनाओं पर आज भी पर्दा डाल दिया वारदा करने का। प्रशासन ने कुछ अभी मांगे उनकी स्वीकृत किए, आश्वासन भी दिया? प्रशासन आश्वासन दे रहा है। प्रशासन ने कहा है कि हम शासकीय नौकरी देंगे, 10 लाख रुपये दे देंगे, शस्त्र लाइसेंस दे देंगे, संरक्षण दे देंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन पूर्व में दिए गए, इसलिए लोगों पर विश्वास नहीं है। ये कल से आश्वासन दे रहे, लेकिन कल प्रशासन आश्वासन दे के गया था कि हम उनके मकान तोड़ देंगे, आज तक मकान नहीं तोड़े। तो इस तरीके से यह असंवेदनशील चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री का, इस जिले के मंत्री का भी इस बात को है कि यह उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप कहते हो कि गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ूंगा, तो आप क्यों चुप हो? इस छोटे से दलित परिवार के बच्चे के मामले में आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? आप ये भेदभाव छोड़िए और न्याय दीजिए, जैसा कि दूसरों को न्याय दिया है, इसको भी न्याय दीजिए। कांग्रेस पार्टी जब तक लड़ती रहेगी, जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला है, और जो भी जिनके खिलाफ FIR हुई है, उनमें से लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक कर ली गई है, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना कार्य कर रही है।